इधर जालौन में पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण ने वहां जायजा लिया, रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव खत्म हुआ, सभी प्रत्याशियों के भाग्य के फैसले आ गए। इस चुनाव में देखने वाली ये बात रही कि जनता ने बीजेपी को अच्छी खासी पटकनी लगाई है। इसमें इस बार बीजेपी के 6 प्रत्याशी विजयी घोषित हुए हैं, जबकि बीएसपी ने काफ़ी अच्छी बढ़त बनाई है। बीजेपी के जो है 7 उम्मीदवार विजयी हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जनपद की जनता की नाराजगी बीजेपी पर उभर के आई है। लेकिन माने तो कहीं ना कहीं या तो किसान मुद्दा या महंगाई, किसी न किसी मुद्दे को लेकर जनता की अच्छी खासी नाराजगी देखी गई है। हाँ, आपको और भी बता दें कि जो जनपद इस समय जिले के 3 विधायक, 1 सांसद और इसी जिले के रहने वाले जिला प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, तीनों की साख को बट्टा लगा है, क्योंकि इस बार बीजेपी को सरकार ने नकारा है। इंडिया न्यूज के लिए जालौन से प्रवीण द्विवेदी की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आपने सुना जिस तरीके से पंचायत चुनाव के परिणाम आज भी आते हुए और फिर वहां पर जीत का जश्न लोग मनाते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि विजय जुलूस निकालने से कोर्ट ने पाबंद किया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि ये सारी चीजें ना हो, और इसका नजारा हमने देखा। कल तमिलनाडु का परिणाम आया, बंगाल का परिणाम आया, केरल पुडुचेरी का, कुछ तस्वीरें वहां से भी निकली, लेकिन उनके लीडरांस ने वहां पर आकर जब अपील की तो शायद उसका असर भी हुआ। लेकिन प्रधानी चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर सख्ती के बावजूद लोग बाज आने को तैयार नहीं है। प्रत्याशी जुलूस मार्च निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, बाइक रैली निकाल रहे हैं, जमावड़ा उनके आवास पर लग रहा है। एक जगह पर काफी संख्या में बिना नियमों के पालना के लोग एकत्रित हो रहे हैं, और उसकी वजह से कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां लगातार उड़ रही। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त अबुल बशर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अयोध्या से मेरे सहयोगी अबुल बशर जुड़े हैं। अबुल, इस वक्त गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं, लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर यह सोचना होगा लोगों को, और चूंकि चुनाव से पहले ही ये जिला प्रशासन ने भी साफ कर दिया था कि किसी भी तरीके से कोई ना तो विजय जुलूस निकलेगा, ना ही इस तरीके का माहौल बनेगा जिससे कोरोना का संक्रमण बढ़े। लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव को लेकर जैसे ही मतगणना शुरू हुई, कल की तस्वीर हमने देखी, कल भी बेहद खराब स्थिति थी। और उसके बाद आज जब फैसला आना शुरू हुआ, या कल रात से ही जब फैसला आना शुरू हुआ, तो स्थितियां और ज्यादा बद से बदतर हो गई। लोग विजय जुलूस निकाल रहे हैं, किसी को कोई डर नहीं है, ना तो प्रशासन के लाठी और डंडे का डर है, ना तो उनकी गाइडलाइन का डर है, और ना ही अपनी मौत का डर। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि लोग इस पूरे कोरोना काल में कहीं ना कहीं ये भी लापरवाही कर रहे हैं कि उन्हें अपनी भी चिंता नहीं है। यानी सरकार लगातार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, जिंदा रहना है। साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि अगर जिंदगी प्यारी है तो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है, इन सारी चीजों का पालन करना होगा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से विजय जुलूस में लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हैं, हर्षोल्लास मना रहे हैं, जीत का उत्साह मना रहे हैं, इसे लगता है कि आने वाले दिनों में संकट गहरा जाएगा। और संकट किसी और के लिए नहीं होगा, किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं होगा, उन्हीं को होगा जो यहाँ पर इस वक्त जश्न मना रहे हैं, और कल फिर उनको ये लगेगा कि शायद सरकारों ने ही उनको गलती से इस तरीके से शिकार बना दिया। ये खुद हर एक व्यक्ति को समझने की जरूरत है। मेरे सहयोगी संजय मिश्रा भी हमारे साथ बहराइच से हैं। संजय, यहां पर क्या नजारा है? कुछ वैसा ही जश्न, वैसा ही जुलूस, और उसी तरीके से लोगों का नियमों को तोड़कर आगे अपने आप को ले आने का तरीका दिख रहा, या प्रशासन की सख्ती का असर है? निश्चित तौर पर अतुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे लोग विजयी हो रहे हैं और विजयी होने के बाद विजय जुलूस निकाल रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने साफ साफ ये गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि जो लोग भी विजयी होंगे वो सीधे अपने घर को जाएंगे, उसके बाद कोई विजय जुलूस नहीं निकालेगा। लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है, जैसे अभी हमने देखा कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने बड़ा एक विजय जुलूस निकाला है। तो इस तरीके से तमाम ऐसे जगहों से आ रहे हैं जहां से जो ग्राम प्रधान जीत रहे हैं वो विजय जुलूस निकाल रहे हैं, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य जीत रहे हैं वो विजय जुलूस निकाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कहीं ना कहीं जो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो इनको रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर यह आरोप पुलिस प्रशासन पर लगेगा, क्योंकि वजह यह है कि ना उनके सिपाही कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ना उनके पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं।
अबुल एक बार फिर से मैं आपका रुक कर रहा हूं, जो बात यहां पर संजय कह रहे हैं कि असर नहीं दिख रहा है, क्या वाकई इस वक्त जहां पर एक तरफ लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है, सरकार की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से साफ शब्दों में कह दिया गया कि अगर जीतते हैं तो जश्न मत मनाइए, अपने घर वापस चले जाइए, मौका मिलेगा भविष्य में जश्न मनाने का, अब वाकई यहां प्रशासनिक सख्ती की ही दरकार है, कुछ दिखाई दे रहा है उसका असर, या अभी तक कुछ भी नहीं एक्शन लिया गया? देखिए, एक्शन की बात की जाए तो कल से लेकर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, और केवल समझाया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। जो लोग जीते हैं वो विजय जुलूस निकाल रहे हैं, जो लोग जीते हैं वो हार माला पहन रहे हैं, हालांकि जो आम जनमानस है वो इस बात को समझ रहा है और लॉकडाउन का पालन कर रहा है। अगर मैं आपको इस वक्त सड़क पर दिखाऊं तो सड़क पर सन्नाटा है, ये इस बात का सबूत है कि लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन जो लोग जीत कर बाहर निकले हैं वो इस जश्न में शामिल हैं। हालांकि जो बीजेपी का दफ्तर है मैं उसके सामने खड़ा हूँ, यहाँ पर जश्न जैसी कोई तस्वीर नहीं है, सन्नाटा है। उसकी दूसरी वजह एक और भी है, क्योंकि बीजेपी के दफ्तर में मायूसी है, क्योंकि यहाँ जिला पंचायत की 40 सीटें हैं और उन 40 सीटों में महज दहाई तक पहुंच पाना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। ये इस बात का इशारा करता है कि लोग बेहद नाराज इस बात को लेकर भी है, क्योंकि कोरोना के समय में जिस तरीके से लोगों को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस और दवाई, तमाम तरीके की जो समस्याएं रही हैं, कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में लोगों ने प्रत्याशी, चलिए तो उसका रिफ्लेक्शन भी यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जीतने वालों को यह समझना होगा कि अगर हारने वाले इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के लोग या उस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उनके प्रधान अगर हार गए हैं उसका कारण यह है, तो इनके जीतने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर कल को ये खुद असुरक्षित रह गए, ये सभी को समझना होगा। गौरव भी हमारे साथ उन्नाव से बने हैं। गौरव, यहां पर नजारा क्या है और किस तरीके की गाइडलाइंस से उल्लंघन किया जा रहा है उनका, या फिर उसकी पालना लोग कर रहे हैं, खासतौर से वो जो कि जीते हैं या जीतने वालों के समर्थक हैं? तो बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उन्नाव में जिस तरीके का मंजर देखने के लिए मिला वो एक खयावा मंजर था, क्योंकि जब कल सुबह से यहाँ पर काउंटिंग शुरू हुई उस दौरान यहाँ पे एकाएक जो एजेंट हैं, प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं, उनकी भीड़ देखने के लिए मिली। प्रशासन ने हालांकि मुकम्मल व्यवस्थाएं कर रखी थी, लेकिन उसके बाद भी जो भीड़ थी वो काफ़ी तादाद में यहाँ पे अपने सेंटरों पे पहुँची थी, जहाँ पर काउंटिंग सेंटर बने हुए थे, और वहाँ पे भारी तादाद में भीड़ देखने के लिए कोविड गाइडलाइंस के जो उल्लंघन करते हुए लोग नजर आए, जो भी गाइडलाइंस थी प्रशासन उनका पालन नहीं करा पा रहा था, लोग वहाँ पर यकायक इकट्ठा होते जा रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइंस में कोरोना काल चल रहा है, सरकार तमाम वादे कर रही है, तमाम दावे कर रही है, लेकिन वो सब वहाँ पर फेल दिखे। तो साफ तौर पर उन्नाव की जो दशा रही वो यहाँ पे कोरोना काल की के दौरान जो भीड़ देखने के लिए मिली है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े करती है। चलिए, यानी सख्ती की बात तो कही गई है लेकिन सख्ती बढ़ती नहीं जा रही है, कुछ ऐसी भी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। संजय, जैसा आपने कहा और जैसा अबुल बशर बता रहे थे कि जो जीतने वाले हैं वो मानने को तैयार नहीं, हाँ अन्य व्यक्ति जरूर मान रहे हैं कि हाँ खतरा है, या जो हार गए हैं वो निराश होकर मान रहे हैं कि अब क्या करें, लेकिन जो जीत रहे हैं खतरा तो उनके लिए भी उतना ही है, ये बात उनको समझ में नहीं आ रही। निश्चित तौर पर अतुल, मैं देखिए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी यहाँ पे काउंटिंग स्थल बनाए गए हैं 14 ब्लॉकों में जो मतगणना स्थल बनाए गए हैं वहां पर पहले से ही यहाँ पर जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं या हारने वाले प्रत्याशी हैं दोनों के समर्थकों की भीड़ देखी गई है। ये प्रशासन को चाहिए कि उन भीड़ को तितर बितर करे, उनको ये समझाएं कि वो लोग अपने घरों में जाए, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन के द्वारा समझाया तो जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो समर्थक हैं वो घर जाने को तैयार नहीं है। लिहाजा जो लोग भी अब जीत करके आ रहे हैं उन्हें माला पहनाया जा रहा है और उनके पीछे तकरीबन हजारों की संख्या में समर्थक जो है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिले में अगर एक या दो अगर बड़ी कार्रवाई अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये एक हवा चलती है और ये निश्चित तौर पर लोगों में संदेश जाता है कि अब कार्रवाइयां हो रही हैं और हम जुलूस नहीं निकालेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार जगह जगह देखा जा रहा है, कई जगहों पर, यानी अगर हम कहें तो हम चार पांच जी, यानी कई जगहों पर कुछ वैसा ही नजारा है, लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया अबुल बशर हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजय आपका और गौरव आपका। तो जो पंचायत चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, परिणाम में किसी को निराशा हाथ लग रही है, कोई जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन जीतने वाले भी समझें कि खतरा उनके लिए भी उतना ही है। आज किसी वजह से अगर उनको जीत मिली है तो उन पर जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। उन्नाव में